जी या नहीं? एब्सोल्युटली, स्टे ऑन विद मी मनोहर, वी गेटिंग नो मोर इन्फॉर्मेशन एज फार एज द पोर्टफोलियोज इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर कंसर्न. सोर्सेज रिवील दैट एकनाथ शिंदे इज डिमांडिंग द होम मिनिस्ट्री. बीजेपी हैज रिजेक्टेड एकनाथ शिंदे'स डिमांड इज वॉट वी आर गेटिंग टू नो. द होम मिनिस्ट्री हैज बीन हेल्ड बाय देवेंद्र फडणवीस सिंस 2022. सोर्सेज टेल अस दैट देवेंद्र फडणवीस कंटिन्यूज वॉन्ट्स टू कंटिन्यू रिटेनिंग इट. संजय, यू आर बैक ऑन द टेलीकास्ट विद मी. संजय, is there a possibility that there could be a conflict of interest between Eknath Shinde and Devendra Fadnavis over the portfolio of home ministry? जारी अभी तक ग्राम मंत्रालय पर अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया एकनाथ शिंदे को कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्ट्री जी बीजेपी अपने साथ रखेगी. देवेंद्र फडणवीस अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस के पास मौजूद रहेगा. तो इसको लेकर के अभी भी चर्चा जारी है. अभी तक एकनाथ शिंदे ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया, वो अपनी तबियत का बहाना बना करके सतारा चले रहे कि दो दिन उनकी तबियत खराब हो, दो दिन बाद वो वापस मुंबई लौटेंगे, फिर जाकर के माइनसी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, पोर्टफोलियो पर बातचीत जारी है. जहां तक अजीत पवार की बात है तो अजीत पवार को जितने पुराने मंत्रालय उनको दिए गए थे वो सारे के सारे मंत्रालय उनको रिटेन किए जा रहे हैं. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उनको बनाया जा रहा है. अजीत का मंत्रालय के साथ साथ महिला बाल विकास के साथ साथ जितने भी मंत्रालय अजीत पवार के पास पुरानी सरकार में थे पिछली सरकार में थे सारे मंत्रालय अजीत पवार को दिए जा रहा है. 10 से 12 मंत्रालय शिंदे को दिए जा रहे हैं. एकनाथ शिंदे को 10 से 12 मंत्रालय देने की बात की जा रही है, लेकिन गृह मंत्रालय पर अभी भी कहीं ना कहीं विवाद बचा हुआ है. बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्रालय दोनों बीजेपी के पास रहे. Right, absolutely. Sanjay, my sad bane rahiye because we're getting to know more information. The Shinde faction is to get 10 to 12